हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। एक हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो 27 दिसंबर बैच चल रहा है हमारा। अपना नाम बताइए। अब्दुल मनान। अब्दुल मनान कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। तो ये बताइए, अभी अपना आज का जो क्लास चल रहा है कौन सा चल रहा है? EMMC हेल्थ रिपेयर है। EMMC का हेल्थ रिपेयर कैसे करते हैं? तो अभी जो हेल्थ मैंने बताया प्रोसेस कैसे करना है, तो इजी लग रहा है कि कैसे लग रहा है? सभी को बताइए कैसे लग रहा है। इजी लग रहा है तो कोई भी बना सकता है। इसमें से कितने लोग बना सकते हैं हेल्थ? सभी बना सकते हैं। किसी को बुलाए तो यहाँ पे बना सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको हमने बुलाया है। आप ही का फोन है? कौन सा मॉडल है? मॉडल क्या है? 95 सर। वीवो का? वीवो Y95। क्या प्रॉब्लम है फोन में? डेड है सर। फोन आपने डेड लेके आए थे? अच्छा, तो उसके बाद अभी क्या किया उसके अंदर? अभी वो EMMC हेल्थ का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो EMMC आपने निकाल दिए? ठीक है, तो अभी निकाल के बॉक्स में एक बार चेक करना है। तो ठीक है, एक बार टूल ओपन करके जरा बताइए कि क्या कंडीशन में। तो एक बार नहीं, वेट करो होता खुल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे टूल ओपन होगा और यहाँ पे EMMC को भी हम क्या करेंगे, एक बार हेल्थ चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन में फोन है ये। तो यहाँ पे टूल ओपन करके ओके कर लिया। हाँ ठीक है, ओके कर लो। उसके बाद क्लोज। हाँ, और बड़ा स्क्रीन कर लो। एक अपडेट आएगा, इसको क्लोज करो क्योंकि हम ओल्ड वाले टूल में कर रहे हैं काम। ठीक है, अभी यहाँ क्लॉक स्पीड कितना करना है? ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट। ठीक है, हाँ चलो करो, वेरी गुड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। एक IC है यहाँ पे हमारा, ये वीवो का आप देख सकते हैं। 64 GB का IC है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन इसका आ रहा है वीवो का 1807, जो कि कौन सा मॉडल है? ये Y95 है। और साथ ही साथ में क्या कंडीशन में है ये, एक बार फिर से आइडेंटिफाई करिए। तो आप देख सकते हैं, फिर से आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे हम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे EMMC हेल्थ रिपोर्ट जो बता रहा है कंज्यूम 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। तो ये क्या प्रॉब्लम है भाई EMMC में? EMMC हेल्थ में पड़ा है ना। और ये भी आपको पता है कि ये बना है ये पहले या नहीं बना है? नहीं इस कंडीशन में नहीं बना है। ये पहले बन चुका है? किसी ने काम किया है इस पे? नहीं किया है। ये भी टेक्निक आपको पता है कि कस्टमर पहले बाहर से बना के लाया है या उसको नहीं बनाया है? तो अगर यहाँ पे बना होता तो क्या कर सकते हैं हम इसके बाद? कुछ नहीं। फिर उसके बाद चेंज ही होता है IC, है ना। अभी यहाँ पे पॉसिबल है तो मतलब हम इसको काम कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा जिसने हमने चेक किए। सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप टू डम रीड। क्या है? डम रीड बैकअप प्रोसेस। तो डम रीड कैसे करेंगे जरा एक बार बताइए आप। वेरी गुड। ये हमारा ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, ये जो भी चीज है यहाँ से रीड करते हैं और यहीं से राइट करते हैं सारा चीज। ठीक है, तो ऑटो पे आ गए। उसके बाद अगर मैंने 1 GB का डम रीड किया तो क्या करना पड़ेगा बाद में? फ्लैश करना पड़ेगा ना, है ना। 1 GB अगर डम रीड करने के बाद क्या 1 GB में फोन ऑन होगा क्या? फ्लैश करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे 1 GB का डम नहीं रीड करेंगे। कौन सा करेंगे? एक्सक्लूड। हम क्यों रीड करना पड़ता है भाई? अगर हमें फ्लैशिंग नहीं करनी है ना। चलो ठीक है, चलो एक बार कर लो। वैसे भी देखो, अगर हम एक्सक्लूड लेते हैं या 1 GB लेते हैं तो हमारा सिक्योरिटी फाइल तो आता ही है ना। बस चीजें क्या है, फ्लैशिंग के ऊपर। तो एक्सक्लूड पे सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको? वेरी गुड, रीड कर लो। तो सारा जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टूडेंट से कर रहे हैं हम। और एक बार ये डम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो ये हमारे डम रीड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और देख सकते हैं कितना GB का रीड कर रहा है ये। हमने कोई साइज लिए थे क्या वहां से? हमने सिर्फ एक ऑप्शन को टिक लगाए थे। कौन सा ऑप्शन था वो? एक्सक्लूड डम। ये तो आपको पता ही है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसको छोड़ गए? कस्टमर के डाटा। कस्टमर का डाटा ही 50 GB का होता है इसमें, है ना। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? छोड़कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.80 मतलब लगभग 7 GB का हो रहा है ना। और स्पीड भी आप देख सकते हैं 6.MBPS का कुछ ले रहा है समथिंग। और यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, आपको कितना वेट करना है यहाँ पे? 17 मिनट वेट करना है। तो 17 मिनट वेट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रीड करने में। हर एक बॉक्स का स्पीड क्या है भाई?
आपने तीनों बॉक्स के बारे में देखा है, मैंने आपको बताया स्पीड किस में कितना आता है ना, इसका मिनिमम 8 Mbps तक जाता है, और जेटैक का कितना होता है 20 Mbps जाता है, और MIPI बॉक्स का कितना जाता है भाई? तो वो अगर आपको जो आपकी मर्जी है कौन से बॉक्स पे काम करना है, ऐसे तो किसी को फोर्स नहीं करते हम कि ये बॉक्स पे ही करना है, ये बॉक्स हम आपको सारे बॉक्स सिखा रहे हैं नहीं सिखाएंगे, हाँ कि एक ही बॉक्स पे काम करना बता रहे हैं, सिर्फ EOFI करो इसी से करना है क्या? मैं आपको जेटैक से भी बताऊंगा, कल हमारा जेटैक चलेगा, उसके बाद फिर हमारा MIPI भी तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी दिखाए ना, और एक बार दिखाएंगे, फिर से और एक बार दिखाएंगे प्रोग्रामिंग करने का तरीका। तो इजी लग रहा है नहीं लग रहा है? सारे बॉक्स में कोई भी बॉक्स रहने दो, चला सकते हैं नहीं चला सकते? तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अभी डम रीड हो रहा है, और यहाँ पे रीड होने देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप करूंगा क्योंकि यहाँ पे कितना मिनट बता रहा है, और 17 मिनट का वीडियो अगर इसमें लंबा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को हम स्किप करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे जब इसका हम काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि हमने वीडियो थोड़ा सा स्किप किए थे, जो कि टाइम जो 17 मिनट बता रहा था, अभी यहाँ देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया, 18 मिनट हो गए टोटल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल डम हमारा रीड हो चुका है, हो गया ना रीड? अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा बैकअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना, अब तीसरा प्रोसेस क्या है? रिपेयर प्रोसेस। रिपेयर प्रोसेस में दो प्रोसेस लिखा है, पहला प्रोसेस क्या है? फैक्ट्री इरेज, फॉर्मेट करनी है MMC को, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? हेल्थ रिपेयर करना। तो पहला एक बार क्या करो, फिर से आइडेंटिफाई करके दिखाओ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद अब रिपेयर प्रोसेस में पहला प्रोसेस है EMMC, कहाँ से करते हैं? चलो दिखाओ करके कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। EMMC फैक्ट्री इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, यस कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री रिसेट हो रहा है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा डन। एक बार आइडेंटिफाई फिर से करिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहां से क्या प्रॉब्लम हो गया, देखो फॉर्मेट करने से क्या चला गया, सब लोग बोलिए, सॉफ्टवेयर वर्जन, क्या फॉर्मेट करने से प्रॉब्लम ये जाता है क्या? नहीं आता, इससे क्या जाता है आपका सॉफ्टवेयर फाइल चला जाता है, डेट बूट चले जाता है, दो चीज चले जाती है। अब सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेट तो हो गया, अब यहाँ EMMC पार्टीशनिंग के टैब में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? चलो देखो, सभी को टिक लगाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन एक आदत बना रहे हम, है ना? मेन चीज कौन सा है इसमें? हाँ, इसको अनटिक करके करना है क्या? हाँ चलो ठीक है, राइट करिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हेल्थ रिपेयर हो रहा है, और ये कंप्लीट हो गया, कितने टाइम कितना सेकंड लग रहा है इसको? 2 सेकंड में हो गया सेट OTP पार्टीशनिंग कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। एक बार फिर से आइडेंटिफाई करिए, और यहाँ पे फिर से रिकनेक्ट हो गया, और आप देख सकते हैं पार्टीशन कंप्लीटेड बता रहा है ना, और यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो हट गया। तो एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग में आएंगे, और एक बार क्या करते हैं हम, चलो वेरी गुड। तो जैसे कि अब यहाँ पे हेल्थ देख सकते हैं नॉर्मल हो चुका है, क्या है मतलब, पहले यहाँ कंज्यूम आ रहा था 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक जो आ रहा था, अभी क्या हो गया है, नॉर्मल हो चुका है। तो ये हमारा तीसरा प्रोसेस भी क्या हो गया है, कंप्लीट। हाँ, अब क्या करना है, चौथा वाला प्रोसेस है, तो चौथा प्रोसेस जो है डम राइट करना है। तो डम राइट करने प्रोसेस देख लो एक बार, तो आप वन क्लिक में भी कर सकते हो, और ड्रैग एंड ड्रॉप, दो प्रोसेस होता है इसके अंदर। आप वन क्लिक में मतलब आपको ब्रांड में जाना है और वो फाइल को सिलेक्ट करना है, एक बार सिलेक्ट करिए, ये वन सिलेक्ट, पहले आप ब्रांड में चले जाइए, ब्रांड हाँ वीवो में चले जाओ। तो वीवो का देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम डम रीड करते हैं तो कौन से फोल्डर में जाएगा ये, मतलब अगर वीवो का ब्रांड है तो वीवो के ब्रांड में जाएगा, शाओमी का ब्रांड है तो वहां पे ऑटोमेटिक एक फोल्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो क्या नाम से था पहले ये, इसके अंदर फर्मवेयर क्या नाम से था, 1807। तो एक बार देखते हैं वीवो के ब्रांड में आ गए, और उसके बाद यहां से, तो यहां पे रुकिए, देखो दो मॉडल बता रहा है,
एक 1815 बता रहा है और एक 1807, तो हमारा कौन सा फाइल है? 1807 है ना, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे वन क्लिक में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फाइल आ गए अपने अपने, चार फाइल बताया था, ईएक्सी सीएक्सडी अपने फाइल में लग गई, यूजर एरिया अपने फाइल में चले गया, बूट वन और बूट टू, तो सब अपने अपने फाइल में आ गए ना। तो राइट करने से पहले भी आपको यहाँ पे शो करेगा इसके अंदर फर्मवेयर कौन सा चल रहा है ना, बता रहा है ना। चलो अब इसको क्या करेंगे हम, चलो ठीक है राइट करिए। तो जैसे कि यहाँ से फुल डम जो हमने रीड किए थे, अब वही हमारा डम यहाँ पे राइट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी स्पीड और बढ़ गई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे, 14 मिनट्स बता रहा है, तो थोड़ा सा 14 मिनट्स हम वेट करते हैं और इसके बाद ये सारा चीज़ें कंप्लीट होने देंगे। तो अभी ये चीज़ बताइए कि अभी पहले भी तुम काम करते थे, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? नहीं काम करता अभी। नहीं काम किया इसके पहले? नहीं। कितने मतलब, तो क्या क्या करते थे पहले? अनलॉक करता बस। मतलब पहले आपके पास यूएफओ बॉक्स था, तो आप नॉर्मल काम कितना क्या क्या करते थे? वो अनलॉक आईएसपी से। तो आप यूएफओ बॉक्स कितने साल से चला रहे हैं? चार साल से चला रहे हैं, लेकिन काम उस पर ज्यादा नहीं किए। ज्यादातर कितना काम किए? अनलॉकिंग करना आईएसपी, वो भी थोड़ा बहुत प्रोसेस देख कर करते थे, किसी का वीडियो देख कर करते थे, प्रॉपर वर्क नहीं करते थे। लेकिन अब यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है, अभी प्रॉपर वर्क कर सकते? तो ये सारे चीजें आप पहले करते थे क्या? फर्स्ट टाइम कर रहे? हाँ। तो अभी बताइए इजी लग रहा है ये प्रोसेस करने में? इजी है ना भाई, सभी के बात बताइए, इजी लग रहा है? तो ये बंदा झूठ बोल रहा है क्या? सही बोल रहा है, झूठ बोल रहे है? ये बॉक्स चलाते थे लेकिन कितना काम करते थे? खाली सिर्फ अनलॉक करना है आईएसपी से, जो भी ये वीडियो वगैरह देखकर करते थे। तो यहाँ पे कोई हम वीडियो वगैरह बता के तो नहीं कराते? जो भी चीज है लाइव, आपका फोन है और यहीं सामने बना के बताते ना, तो ये सब लाइव बन रहा है। तो ये फोन किसका है? तुम ही लेके आए साथ? तो ये खुद फोन लेके आए यहाँ पे सीखना। अगर पहले से करते थे तो ये फोन यहाँ पे लाते क्या हल्का? ये खुद बना के कस्टमर को क्या करते थे अभी तक? दे देते, यहाँ लाने की जरूरत थी क्या? तो ये चीज नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ यूएफओ से क्या कर रहे थे? अनलॉकिंग। तो अब ये चीज करेंगे ना कि अभी भी वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा? नहीं ना। तो चलो एक बार इनके लिए क्लैप्स करिए भाई। तो वेट करेंगे, अभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी राइट हो रहा है डम्प। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये फुल डम्प राइट होने के बाद क्या करेंगे हम? बोर्ड में लगाएंगे। उससे पहले एक लास्ट प्रोसेस बताया था कि हर काम करने के बाद क्या करना है, एफआरपी। फ्लैशिंग कब करेंगे? जब 1 GB का डम रीड किए, ठीक है। अभी एक्सक्लूड का डम रीड किए ना भाई। अगर ये फोन, अगर देखो पहले तो डेड कंडीशन में था, है ना। अगर फुल डम राइड करने के बाद भी अगर डेड ही रहेगा तो क्या करेंगे हम? फिर फ्लैशिंग करेंगे। नहीं, अगर फुल डम राइड करने के बाद अगर फोन वही कंडीशन में डेड रहेगा तो हो सकता है इसका डम क्या है, डेड ही है, तो फ्लैशिंग करना पड़ेगा। अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, हम ऑन करके दिखाएंगे लाइव यहाँ पे। उससे पहले एक बार एफआरपी भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को स्किप करेंगे क्योंकि ये राइट हो रहा है और यहाँ पे कुछ 11 मिनट का टाइम बता रहा है हमें, तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फुल डम यहाँ पे राइट हो चुका है। एक बार आइडेंटिफाई करिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो स्किप किए थे क्योंकि टाइम बचाने का था वीडियो के लिए। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया है और जो इरर आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया इतना। अब लास्ट प्रोसेस क्या करनी है, ठीक है, एफआरपी हटाना है, यूजर एरिया पार्ट में आएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? चलो वेरी गुड, क्लियर एफआरपी। अब यहाँ पे देखेंगे एफआरपी लॉक है या नहीं, अगर डन आता है तो एफआरपी लॉक है, अगर यहाँ पे लिख के आता है फेल्ड तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। मतलब एफआरपी इसमें नहीं है। तो अभी ये हमारा एफआरपी निकल गया, एक बार आइडेंटिफाई फिर करिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, आईसी को बोर्ड में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई फिर से हो गया, अब एक बार आईसी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको बोर्ड में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोर्ड में एमएमसी लगाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले क्लीन कर लेंगे इसको, बॉल को।
तो यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे अच्छे से एक बार पैड्स को। थोड़ा साइलेंस अभी। तो यहाँ पे अभी क्लीनिंग हो गया और अभी यहाँ पे एमएमसी को फिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी फिक्स कर रहा हूँ। लग गई ना? हाँ, ये थोड़ा हाई टेक। एक बार अच्छे से आईसी के नीचे देखना है, क्योंकि कचरा अगर फंस गया है तो आईसी क्या हो जाती है, ठीक से नहीं लग जाती है। ठीक है, तो लगाने के टाइम एक बार देख लेना है अच्छे से। ठीक है, ये सही आपका लग गया नोज कट पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आईसी फिक्स हो गई है, लास्ट फाइनल फिनिशिंग कर रही है इसको टचअप। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड अभी कूल करेंगे, थोड़ा सा होने देंगे, हीट है, इसके बाद हम चेक करेंगे अभी ये फ़ोन में ऑन हो रहा है या डेड कंडीशन में है। ठीक है, अगर डेड रहा तो क्या करेंगे इसके बाद, हम एक बार फ्लैशिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि ये डम जो हमने रीड किए थे इसके पहले फ़ोन डेड ही कंडीशन में था। तो थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बोर्ड कूल हो चुका है, एक बार बोर्ड को चेक कर लेंगे डिस्प्ले इसमें लगा के। ठीक है, इसके फोल्डर में लगा लो और इसमें चेक कर लो ये फ़ोन क्या कंडीशन पे है, एक बार देख लेंगे हम। पहले क्या प्रॉब्लम था ये फ़ोन में? डेड कंडीशन में था। और दूसरा क्या प्रॉब्लम निकला यूपी के अंदर? EMMC बैड हेल्थ में था। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हेल्थ रिपेयर वगैरह सब कुछ कर लिया है, और एक बार यहाँ पे देख लेंगे क्या हो रहा है, फ़ोन ऑन होगा नहीं होगा। तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे वीवो का लोगो आ गया है, एक बार इनके लिए क्लैप करिए भाई। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे ये फोन अभी लोगो पे आ गया, फर्स्ट लोगो और ये सेकेंड लोगो पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन ही हो गया, हमारा फोन ऑन हो गया ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव स्टूडेंट से बना रहे हैं, और उन्हीं का फोन है ना भाई, आपका ही फोन है, हमारा तो नहीं है। नहीं। हाँ, तो ये आप बनाए हैं, तो अभी कैसे लग रहा है ये चीज बनाने के बाद बताइए। देखो ये ऑन हो गया, बताइए, वेलकम स्क्रीन देखो, ठीक है। तो अब ये बताइए, अभी ये फोन जैसे हेल्थ रिपेयर में प्रॉब्लम था, आपने फोन लेके आए, अब ये आपने बनाए प्रोग्रामिंग करके, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे अभी प्रोग्रामिंग करके आपको? इजी है सर। इजी है, तो क्या मतलब इसके बारे में बताइए कि कैसे मतलब अच्छा लग रहा है, और यहाँ से जाने के बाद कर सकते हैं नहीं कर सकते? इजी वर्क है, इजी वर्क है। तो यहाँ आने से पहले ये सब काम कर सकते थे आप? नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको एकदम इजी वर्क बता दिए कैसे करना है क्या करना है। तो सेटिस्फाइड है या नहीं है? सब लोग बताइए, सेटिस्फाइड है? लाइव बनाते हैं ना सामने, पीछे तो छुपा के नहीं बनाते, कैसे बना रहे क्या बना रहे फोन। तो ये स्टूडेंट से ही बनवा रहे, ऐसा तो नहीं, मैंने तो इसमें खाली क्या आपको बताया कि ये चीज करना है वो चीज करना है, ठीक है, लेकिन बना कौन रहा है? स्टूडेंट ही बना रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन वो सब आ गई है, एक बार बाईपास करिए सब, नेक्स्ट करके, ठीक है, हाँ स्किप करो, वेट करो थोड़ा सा, हाँ स्लो है क्योंकि FRP लॉक इसमें लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि हमने क्या किए थे, इसको रिसेट कर दिए थे ऑलरेडी, जब हमने प्रोग्रामिंग किए थे UEFI से, तो उसी वक्त में FRP क्या किए थे, क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्किप कर देंगे और ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, हमारा होम स्क्रीन आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार IMEI नंबर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका डम रीड किए थे ना, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, IMEI नंबर भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें सिक्योरिटी फाइल, एक बार दिखा दीजिए, एक बार आया है क्या? आया। तो बचा सकते, किसी का भी सिक्योरिटी बचा के काम करना है तो कर सकते, बिना उड़ा के कैसे ट्रिक बताए आपको वो सब करना है। तो मोस्ट चीज क्या है इसमें, IMEI बचाना, क्या है कस्टमर का बैकअप बचाना, नहीं तो विदाउट IMEI भी हम फोन ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब करेगा क्या वो? देखो कस्टमर का IMEI एक बार चले गया तो आप रिपेयर कर सकते हैं क्या USB से? ठीक है, अगर टेक्निक है तो कर सकते हैं, अगर किसी को रिपेयर करना नहीं आता फिर क्या हो जाएगा? तो कस्टमर को जो लेना था पैसा वो वापस देना पड़ता है, काम प्रॉपर नहीं हुआ तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सारे चीजें हमें, ये सारे बेसिक चीजें होती है, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया ना कि पहला तरीका IC डिटेक्ट करना है, दूसरा क्या है, बैकअप कर लेना, क्या है बोलो सब लोग, बैकअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला प्रोसेस क्या है, MMC को रिपेयर कर लेना, तीसरा प्रोसेस, आपने फोर्थ प्रोसेस लिखे, ठीक है। एक हेल्थ रिपेयर करने का चार तरीका है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये फोन ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, फोन फिक्स के लिए बोलो, बताइए आप अपने लैंग्वेज में। देखो थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, आप कहाँ से बोले? तमिलनाडु। थोड़ा हिंदी में बोलने में दिक्कत आता है, फिर भी जो जितना आ सकता है उतना हिंदी बताइए, अपने दिल से बताइए क्या बोलना चाह रहे फोन फिक्स को। इधर आने के अच्छा है सर, मैं अच्छा समझ गया, बेसिक से अच्छा समझा रहे आपको पूरा, अच्छा समझ गया। और काम करने में कैसा हो रहा है, मतलब लाइव बता रहे हैं या सही फेक कुछ है? ये लाइव है सर। लाइव है? और ये तो आप खुद ही बनाए ना? तो आप खुद बोल रहे दिल से, क्या ऐसा तो नहीं है पहले बना के दे दिया आपको फोन, उसके बाद बोलने के लिए बता रहा हूँ, हाथ में फोन थमा के बता रहा हूँ कि बोल दो? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। और IC वगैरह पेस्टेड वगैरह मैं निकाला या आप खुद ही निकाल के? तो ब्लैक पेस्टेड वगैरह आप खुद निकाल के क्लीन वगैरह करके यहाँ पे चेक किए, और साथ में क्या किए, प्रोग्रामिंग भी इन्हें किए, ठीक है। मैं तो नहीं किया ना भाई, मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, तरीका एक बार बताया, दूसरी बार कौन किए भाई, स्टूडेंट ही किए। तो अभी इसके लिए, अभी इनके लिए और एक बार क्लैप्स करिए भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।